नमस्कार दोस्तों, फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ड्रीम केक की फ्री क्लास में हम आपके साथ एक और ड्रीम केक की रेसिपी शेयर करने आए हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक, जो आपको देखने में डिलीशियस और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। यह ऐसा केक है कि आप इसको कोई से भी फेस्टिवल पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक में आपको बहुत सारी लेयर देखने को मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा औसम है। आप अपने इस ड्रीम केक को बहुत जल्दी, झटपट, आसान तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितना जल्दी बनकर तैयार होता है, टेस्ट में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक घर पर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ड्रीम केक टिन। ड्रीम केक बनाने के लिए ड्रीम केक टिन आता है, इसी में ही ड्रीम केक बनाकर तैयार किया जाता है। इसी टिन में हम बेकिंग करेंगे और इसी में ही ड्रीम केक बनाकर तैयार करेंगे। इस टिन का साइज 5x3 इंच। टिन में आपको लगाना है बेकिंग पार्चमेंट या फिर बटर पेपर। टिन के साइज का पेपर कट करके पेपर को लगाना है टिन के अंदर। अगर आप पार्चमेंट पेपर यूज कर रहे हैं तो इसके ऊपर लगाना है हल्का सा ऑयल। बेकिंग या बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑयल को पेपर के चारों तरफ करके लगाना है। बेस बनाने से पहले हमारा टिन रेडी हो गया, इसको मैं एक साइड में रख रही हूँ। बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप वनीला प्रीमिक्स। प्रीमिक्स आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल। ऑयल को स्किप करके आप बटर या फिर आधा ऑयल आधा बटर ले सकते हैं। बेस में हल्का सा कलर चेंज करने के लिए मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर। जिस तरीके से शाही टुकड़े का कलर शेड होता है, उसी का टेक्सचर देने के लिए मैं कलर यूज कर रही हूँ। ऑरेंज कलर की एक ड्रॉप डालनी है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। कलर आप लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म में कोई सा भी ले सकते हैं। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच दूध डाल रही हूँ। दूध से बेस में अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। आप दूध को स्किप करके पानी ले सकते हैं। मैंने इसमें दूध थोड़ा करके डाला है। इसे मिक्स करने के बाद मुझे दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसमें दूध और डालूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मार्केट में जितनी भी बेकरी शॉप देखने को मिलेगी, वहाँ सभी जगह पर प्रीमिक्स यूज होता है। प्रीमिक्स से बना केक बेस खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। प्रीमिक्स से बेस बना करके हमारा ड्रीम केक एकदम मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होगा। आप रेडीमेड प्रीमिक्स को घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मुझे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध और डाल रही हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने 4 बड़े चम्मच दूध लिया है। प्रीमिक्स अलग अलग ब्रांड के आते हैं, किसी प्रीमिक्स में दूध या पानी कम लगता है या फिर किसी में ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको अपने प्रीमिक्स में थोड़ा थोड़ा करके दूध या पानी डालना है और मिक्स करना है। केक बैटर न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, रिवन कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखिए, दूध के मिक्स हो जाने के बाद केक बैटर रिवन कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप काजू बादाम के टुकड़े। काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना है। काजू बादाम के टुकड़ों को मैदा के साथ हल्का सा कोटेड कर देना है। ऐसा करने से आपके नट्स बेकिंग करते समय नीचे की साइड नहीं बैठने के। काजू बादाम के टुकड़ों को बैटर में डालकर हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जिस टिन को हमने रेडी करके रखा था, उस टिन में डालना है बैटर को। केक बैटर को टिन मोल्ड में डाल दिया, इसको करना है एक सार। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। 40 लीटर से कम वाले OTG में आपको इसे 140 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। 40 लीटर से ऊपर वाले OTG में इसको 150 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करना है। इसे बेक करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। कलर देख करके आपको इसे OTG में से बाहर निकालना है। टिन को सेंटर रैक पर रखते हुए ऊपर की ग्रिल बंद, नीचे की ग्रिल चालू करते हुए इसको बेक करना है। बेक हो जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ड्रीम केक बनाने के लिए बेस रेडी हो गया है, आप इसकी फुलावट देख सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए इसी टिन मोल्ड में रखकर छोड़ूंगी। जितने हमारा बेस ठंडा होगा, इतने हम ऊपर की लेयर बनाने के लिए गनाश बनाकर तैयार करेंगे। गनाश बनाने से पहले मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच गर्म दूध। मैं इसमें डाल रही हूँ 9 से 10 केसर के धागे। केसर के धागों को करना है दूध में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसको रखकर छोड़ूंगी। थोड़ी देर रखने से केसर अपना कलर छोड़ देगा दूध में। केसर के कलर छोड़ने तक आपको इसको थोड़े थोड़े देर में हिलाते रहना है। गनाश बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच क्रीम। क्रीम आप होममेड, अमूल या फिर नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ एकदम बारीक चॉप्ड करके 1/2 कप व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट।
गनाश के फ्लेवर को रिच करने के लिए मैं ले रही हूँ आधा बड़ा चम्मच कोको बटर। आप कोको बटर को स्किप करके अमूल बटर ले सकते हैं। गनाश में शाइनिंग लाने के लिए मैं ले रही हूँ लिक्विड ग्लूकोस। आधा बड़ा चम्मच लिक्विड ग्लूकोस लेना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद ही गैस को ऑन करना है। लो फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करना है और चॉकलेट को मेल्ट करना है। आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बाउल में करके माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार 30-30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें और आपस में मिक्स करें। ऐसा करने से आपकी गनाश बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ी देर लगातार हिलाने से सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। यहाँ पर हमारी गनाश रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद और इसको करूँगी एक बाउल में। बनाई हुई गनाश को मैं एक बड़े बाउल में कर रही हूँ। 1/8 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। शाही टुकड़ा फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको इसे स्पून में करके डालना है। स्पून से मैं केवड़ा एसेंस की गनाश में 3 से 4 ड्रॉप डाल रही हूँ। मैं ले रही हूँ मलाई बर्फ़ी। यहाँ पर मैंने 3 बर्फ़ी ली है। मलाई बर्फ़ी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। मलाई बर्फ़ी आपकी एकदम ताज़ी होनी चाहिए। बर्फ़ी को डालना है क्रश करके। बर्फ़ी आपकी जितनी ज़्यादा फ्रेश होएगी फ्लेवर भी उतना ही अच्छा बनकर आएगा। मैं ले रही हूँ 1/2 कप एकदम बारीक कद्दूकस करके पनीर। पनीर आप रेडीमेड या फिर होममेड कैसा भी ले सकते हैं। पनीर आपका एकदम ताज़ा और सॉफ्ट होना चाहिए। अब मैं इन सबको करूँगी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होएगी गनास की लेयर भी उतनी ही बढ़िया बनकर आएगी। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, शाही टुकड़ा ड्रीम केक बनाने के लिए मलाईदार गनाश रेडी हो गई है। गनाश के रेडी हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी जिससे ये ठंडी हो जाए। इस गनाश को आप फ्रिज में 3 से 4 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। जितने हमारी गनाश ठंडी होगी इतने मैं मूज बनाकर तैयार करूँगी। मूज बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/3 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपकी एकदम चिल्ड होनी चाहिए। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से स्टिफ पीक बनने तक फेंटूंगी। जब तक आपकी व्हिपिंग क्रीम फूल का डबल नहीं हो जाती तब तक इसको फेंटना है। यह देखिए, 2 से 3 मिनट फेंटने से व्हिपिंग क्रीम जो है वह फूल का डबल हो गई है। व्हिपिंग क्रीम की कंसिस्टेंसी न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और न ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। फेंटते हुए व्हिपिंग क्रीम हमारी गर्म हो गई है। इसको मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। ठंडा हो जाने के बाद मैं इससे मूज बनाकर तैयार करूँगी। केक बेस पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसके किनारों को चाकू से करना है अलग। प्रीमिक्स से बना हुआ केक बेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पोंगी होता है। केक बेस को हमने टीन में से बाहर निकाल दिया है। मैं इसके पेपर को कर रही हूँ अलग। केक बेस को मैं उसी टीन में उल्टा करके रखूँगी। अब मैं इसके ऊपर करूँगी सोकिंग। बेस की सोकिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ दूध। आप यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच दूध ले सकते हैं। मैं इसमें डाली हूँ 1/8 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप डालूंगी केवड़ा एसेंस की। केवड़ा एसेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है। इन सबको आपस में मिक्स करके अब मैं इस दूध से बेस की सोकिंग करूंगी। सोकिंग आप शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। जिस गनास को हमने बनाकर रखा था वह ठंडी हो गई है। अब मैं इस गनास को आइसिंग बैग में फिल करूंगी और बेस के ऊपर गनास की लेयर दूंगी। गनास को हमने आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। अब मैं इसके टॉप पॉइंट को कट करूंगी। जितना ज़्यादा आप कट करोगे उतनी ही लेयर गनाश की बेस के ऊपर बनकर आएगी। मैं आइसिंग बैग को 1/2 से 1 सेंटीमीटर के करीब कट कर रही हूँ। बेस के ऊपर चारों तरफ करके सारे में गनाश लगानी है। पहले मैं चारों तरफ किनारों किनारों पर लगाऊंगी, बाद में भी सेंटर से फिल करूंगी। दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस चल रही हैं जिसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। आप उन सभी क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर एकदम फ्री देख सकते हैं। गनाश की लेयर के ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड नट्स। यहाँ पर मैंने काजू बादाम पिस्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। मैं गनाश की टॉप लेयर को चॉप्ड नट्स से कवर कर दूंगी। नट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक में नट्स आप कितने भी डाल सकते हैं, नट्स से अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। अब मैं इसके ऊपर मूज की लेयर दूंगी। मूज की लेयर देने के लिए हमारी फैटी हुई व्हिपिंग क्रीम पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। व्हिपिंग क्रीम में हमारी जो गनाश बच गई थी उस गनाश को व्हिपिंग क्रीम में मिलाना है। व्हिपिंग क्रीम और गनाश को आपस में मिक्स करने से मूज बनकर तैयार हो जाएगा। मूज का टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ऑसम लगने वाला है। व्हिपिंग क्रीम और गनाश को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स।
मुझको मैं उसी आइसिंग बैग में फिल करूंगी जिस आइसिंग बैग में हमने गनाश फिल की थी। मिक्सिंग हो गई है, ड्रीम केक बनाने के लिए मूज रेडी हो गया है। मूज को हमने आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। अब मैं इसके आगे के पॉइंट को थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। अब मैं मूज की ड्रीम केक में लेयर दूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे शाही टुकड़ा ड्रीम केक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इस रेसिपी को देखने के बाद आपको हमारी शाही टुकड़ा ड्रीम केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मूज की लेयर को स्पैचुला से एकसार करना है। मूज की लेयर से कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और लेयर दूंगी। टॉप लेयर बनाने के लिए मैं फिर से ले रही हूँ 3 मलाई बर्फ़ी। मलाई बर्फ़ी को क्रश करके बाउल में करना है। बर्फ़ी आप यहाँ पर 2 से 3 ले सकते हैं। हमने बर्फ़ी का चूरा कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ एकदम बारीक कद्दूकस करके पनीर। 1/4 कप पनीर को बाउल में डालकर इन दोनों को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसमें से थोड़ा सा बर्फ़ी का चूरा एक बाउल में कर रही हूँ। आधे में से आधा बर्फ़ी का चूरा दूसरे बाउल में करना है। जिस केसर को हमने दूध में घोल कर रखा था उस केसर ने कलर छोड़ दिया है। केसर के दूध को मैं डाल रही हूँ बर्फ़ी के चूरे में। केसर के दूध और क्रश बर्फ़ी को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैं इस क्रश बर्फ़ी को मूज की लेयर के ऊपर रखूँगी। यहाँ पर हमें अपने शाही टुकड़ा ड्रीम केक में बहुत सारे फ्लेवर देखने को मिलेंगे। ये सभी फ्लेवर टेस्टी भी हैं, ओसम भी हैं। बीच सेंटर में मैं केसर फ्लेवर वाली क्रश बर्फ़ी से इसकी गार्निशिंग करूँगी। केसर वाली बर्फ़ी से गार्निशिंग करने के बाद हमने जो थोड़ा सा बर्फ़ी का चूरा दूसरे बाउल में रखा था अब मैं उसको साइड साइड में लगा रही हूँ। दोस्तों, हमने अपनी इस फ्री क्लास में शाही टुकड़ा ड्रीम केक से पहले मैंगो डिलाइट और फेरो रोशा ड्रीम केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन दोनों ड्रीम केक की रेसिपी का लिंक देख सकते हैं। बर्फ़ी से गार्निशिंग कर दी है हमने। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड नट्स डालूंगी। नट्स से गार्निशिंग करने के लिए आप यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 इंच के ड्रीम केक टीन में शाही टुकड़ा ड्रीम केक बनाकर तैयार किया है। अगर आप 7 इंच का ड्रीम केक टीन लेते हैं तो पूरी रेसिपी को डबल करना है। यह देखिए, सुंदर सी गार्निशिंग के साथ यहाँ पर हमारा शाही टुकड़ा ड्रीम केक बनकर तैयार है। दोस्तों, मिठाई के ऊपर जो सिल्वर वर्क लगता है आप उस सिल्वर वर्क से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक जो मिठाई का भी काम करता है और केक का भी, देखने में यम और खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है। ड्रीम केक को सर्व करने से पहले आपको इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है जिससे ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में रखने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, शाही टुकड़ा ड्रीम केक को आप अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग फ्रिज में 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन रख सकते हैं। शाही टुकड़ा ड्रीम केक बनाने के लिए हमने जो इसमें मिठास रखी है, न तो बहुत ज्यादा कम और न ही बहुत ज्यादा ज्यादा, एकदम नॉर्मल है। शाही टुकड़ा ड्रीम केक को टीन में से निकालते हुए आप इसकी सभी लेयर देख सकते हैं, एकदम परफेक्शन के साथ बनकर आई है। ड्रीम केक की फ्री क्लास में हम आपके साथ एक और ड्रीम केक की रेसिपी जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।